मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के बैनर तले जिले के पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए शीघ्रता से पटवारी संघ की वेतनमान और अन्य समस्याओं पर समाधान किए जाने की बात कही है। ज्ञापन के दौरान टीकमगढ़ पटवारी संघ जिला अध्यक्ष चंद्रभान समारी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पटवारियों के साथ भेदभाव की नीति अपनाते हुए कार्य किया जा रहा है, साथ ही सिर्फ पटवारी संघ की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसमें मुख्य मांग समान वेतन मान के आधार पर वेतन दिए जाने की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर उक्त मांगे शीघ्र पूर्ण नहीं की गई तो 3 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन व विरोध शुरू किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आज पटवारी संघ टीकमगढ़ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो शासन को भेज कर नियत समय में निराकरण की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा और शासन से उनके विभिन्न प्रकार की मांग है, जिनमें वेतन भी संबंधित है, जिनको शासन को भेजकर निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। आज हम कलेक्ट्रेट में सभी पटवारी जो हैं सभी 2800 रुपये ग्रेड पे के लिए आए हैं और हमारी ये डिमांड है कि आप ये हमें दिया जाए और अन्यथा की स्थिति में हम 21 तारीख से सभी शासकीय ग्रुप जिससे सभी पटवारी जुड़े हुए हैं हम उससे ट्वीट कर जाएंगे और नहीं तो 23 तारीख से हम हड़ताल पे कलमबद्ध हड़ताल पे जाएंगे। ज्ञापन दिया है कि संबंध में ज्ञापन दिया, आज प्रदेश स्तरीय ज्ञापन है, पूर्व की भांति जो हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं वही 2800 ग्रेड पे का हम लोगों का शासन से मांग है और आज भी वही क्रमबद्ध तरीके से, अगर आज हमारी शासन ने मांगे नहीं सुनी तो 21 तारीख से हम लोग सारे जितने भी व्हाट्सएप हैं उनसे रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर शासन नहीं सुनता है तो 23 तारीख से हम लोग 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाएंगे और इसके बाद भी शासन नहीं सुनता है तो 28/8 से हम लोग कलमबंद हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन की हो। क्या मांग है आप? 2800 ग्रेड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।